हेलो स्टूडेंट, वीडियो बीच में ही पॉज होने के कारण अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें, तो ये सेम ही वीडियो रहेगी। लेट एंटीक्विटी यानी कि प्रवर्ती काल। वी शैल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड इन इट्स फाइनल सेंचुरीज। किस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे, यानी कि उसके सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे थे उसके बारे में देखेंगे। लेट एंटीक्विटी इज द टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर एंड रेफर्स बोल्डली टू द 4th to 7th century। कि प्रवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4th से 7th शताब्दी तक फैला था। यानी कि प्रवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि रोम साम्राज्य का उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है, उसका पतन हुआ है, इस चीज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। द 4th century itself was one of considerable ferment both cultural and economics। कि 4th शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी, यानी कि 4th शताब्दी में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। द पीरियड सा एट द कल्चरल लेवल द पीरियड सा मोमेंटम डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ विद द एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजियन एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th century। बट देयर वर इक्वली इम्पोर्टेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट दैट बिगन विद द एम्पायर डायोक्लेशियन 284 से 305 एंड इट मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दीज। कि 4th शताब्दी सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक परिवर्तन था कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। तो यानी कि जो कॉन्स्टेंटाइन राजा था जिसने गोल्ड को चलाया था, चांदी की, जब रोमन साम्राज्य में कमी हो गई थी, ये मिलें कंपनी बंद हो गई थी, खानों में चांदी मिलनी बंद हो गई थी, तो कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था उसने सोने का काफ़ी प्रचलन किया था, सोने की मौद्रिक प्रणाली वहाँ पर काफ़ी शुरू हो चुकी थी। तो अब इस कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय किया कि रोमन का जो राजधर्म होगा वो ईसाई होगा, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो इस तरह के ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लेशियन के समय से प्रारंभ हुए। तो अब एक और सम्राट आता है, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में हमने पढ़ा, अब उसके डायोक्लेशियन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवर एक्सपेंशन हैड लेट डायोक्लेशियन टू कट बैक बाय अबेंडिंग टेरिटरीज विद लिटल स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक वैल्यूज। कि सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। डायोक्लेशियन आल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज एंड सेपरेटेड सिविलाइजेशन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स हु नाउ बिकम ए मोर पावरफुल ग्रुप। तो जब डायोक्लेशियन राजा बनता है तो वो देखता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार तो बहुत हो चुका है, बहुत दूर दूर तक उसका साम्राज्य फैल चुका है। तो उसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार तो हो चुका है लेकिन इन प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है, तो इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया।
कि जिनका कोई इतना महत्व नहीं है। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे ये सैनिक अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर सकें। तो इस तरह से डायोक्लेशियन ने एक अलग से ही चीज़ बनानी शुरू कर दी कि जब ये आया तो तब इसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार से तो ज़रूरी है कि मैं जितना भी विस्तार हो चुका है इसको ही अच्छी तरह से फोर्टिफाइड करूं, किले बंद करूं, ताकि इसकी रक्षा हो सके। कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडिट अदर ऑफ हिज ओन हिज चीफ इनोवेशन वर इन द मोनेट्री स्पेयर्स वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डेनोमिनेशन द सोल्डर्स ए कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड द वुड इन फैक्ट आउट लास्ट द रोमन एम्पायर इट्सेल्फ। कि जो डायोक्लेशियन था इसने एक एक सोने का सिक्का भी इसने जारी किया था जो कि 4.5 ग्राम का था और ये काफ़ी शुद्ध था। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे। उन परिवर्तनों को देखो, उसने सोलिडस नाम का एक सिक्का चलाया। सिक्के का क्या नाम था? सोलिडस नाम का एक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। तो आपने याद रखना है कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्या सिक्का चलाया था? सोलिडस नाम का सिक्का चलाया था। और वो कितने ग्राम का था? 4.5 ग्राम का था। किससे बना था? सोने से बना था। ठीक है, तो इस सिक्के के बारे में आप याद रखोगे। द अदर एरिया ऑफ इन्वेंशन वॉज द क्रिएशन ऑफ ए सेकेंड कैपिटल एट कुस्तुंतनिया। कॉन्स्टेंटाइन पीपल एट द साइड ऑफ मॉडर्न इंसुबल इन तुर्की एंड प्रोविंशियल कार्ड बेंजिटियम सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय द सी एज द न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड ए न्यू सैनेट द 4th century वॉज ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग क्लासेज। कि कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार ये था कि दूसरी राजधानी कुस्तुंतुनिया का निर्माण, जहाँ तुर्की में आज कल इंस्ताबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे बांजेटाइन कहा जाता था। यानी कि जहाँ आज तुर्की में इंस्ताबुल है पहले उसे बांजेटाइन कहा जाता है। यही नई राजधानी तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। तो नई राजधानी किसने बनाई थी? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी। किसको बनाया था? कुस्तुंतुनिया को बनाया था। यह तीन ओर समुद्र से घिरी हुई थी। क्योंकि नई राजधानी के लिए नए सेनेट की ज़रूरत थी, इसलिए 4th शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। मोनेट्री स्टेबिलिटी एंड एन एक्सपेंडेड पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड सो कंडीशनरेबल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लाइक ऑयल प्रेसिज एंड ग्लास फैक्ट्रीज इन नेवर टेक्नोलॉजी सच ए स्क्रू प्रेसिज एंड मल्टीपल वाटर मिल्स एंड इन द रिव्यूल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद ईस्ट। जो मौद्रिक नीति थी स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय लेखों से हमें पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें
और तरह तरह के पानी की मिलें जैसी प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण हैं। धन को अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनर्स्थान हुआ। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से रीड करें इसको, क्योंकि ये वर्ड हिस्ट्री है, थोड़ी सी टफ आपको लगती है, लेकिन एक बार रिवीजन लोगे, इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लोगे तो ईजिली लर्न हो जाएगा। ओके।